फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एकेडमी ट्यूटर में कैसे हैं आप सभी आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन तो आज हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे बात करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वी विल टेक द टॉपिक ऑफ़ प्रिज्म तो प्रिज्म क्या होता है तो प्रिज्म आपने लैब में देखा होगा कि दैट इज़ अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम ठीक है बाउंड बाई टू प्लेन सर्फेस मीटिंग ईच अदर अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ है देखिए आप एक प्लेन सर्फेस ये ट्रैंगर प्लेन सर्फेस एक तरफ देख सकते हैं एंड uh, दूसरी तरफ आप ट्राइंगुलर एक सर्फेस देखेंगे और दोनों को दोनों ज्वाइन होते हैं ठीक है और आप uh, इस तरह से बता सकते हो कि इसमें दो ट्रैंगर फेसेस हैं और तीन जो है एक इस साइड एक उस तरफ और एक नीचे की तरफ तीन रेक्टेंगुलर फेसेस हैं ठीक है थीके? तो आप देख सकते हो प्रिज्म स्क्रीन के ऊपर आ गया है आपके ऊपर आपके पास ठीक है अब आते हैं कॉमनली यूज प्रिज्म तो क्या क्या है जो कॉमनली यूज प्रिज्म हम लोग देख रहे हैं तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज प्रिज्म दैट इज इक्विलेटरल प्रिज्म आपने देखा होगा जिसमें इक्विटर फ्रिज्म क्या होता है सारे एंगल्स सा आपको इक्वल मिलेंगे फिर राइट एंगल प्रिज्म एंड देन राइट एंगल आइसोसेल्स दैट इज़ दोनों साइड जो है ये साइड ये साइड एंड ये साइड आपका इक्वल है तो आइसोसेलस ट्रा एंगल हो गया दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल तो ये आइसोसेल्स हो गए दैट मीन्स द टू प्लेन सर्फेस आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सर्फेस एंड फेसेस हम लोग दोनों सर्फेस को रिफ्रैक्टिंग फेसेस कहते हैं द लाइन अलॉन्ग विच द टू फेसेज मीट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म और जो एंगल होता है जो दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेज के बीच में हम उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रिप्रेजेंट किया है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ए तो ये आपकी पूरी कहानी है प्रिज्म की तो प्रिज्म से आप पूरी तरह से परिचित हो चुके होंगे तो चलिए आगे का डिस्कशन हम लोग करते हैं दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन हमें करना है तो आप सबसे पहले ये देखिए मैंने आगे का जो फेस है केवल इसी को सिर्फ दिखाया है पूरे प्रिज्म को तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं पेपर पे तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के फेस को मैंने क्लियरली आपको दिखाया है समझाने के लिए तो यहाँ पर आप समझो कि सारे चीज़ें आपको क्लियर होगी आपने पढ़ा है पहले भी कि अगर प्रज्म ग्लास का है और बाहर से आ रहा है डेट इज़ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रहा है तो इस तरह से रेयर से डेंसर आने पर द नॉर्मल लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करती है तो एक सरफेस हमारा ए बी हो गया एक सरफेस ए सी हो गया मेनली यही दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल ए है तो चलिए समझते हैं कि जो पी क्यू है वो इंसिडेंट रे हुआ और यहाँ पे जो नॉर्मल बना है उससे पी क्यू का जो एंगल है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे ये पी क्यू जो है रिफ्रैक्ट होकर के ए बी सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर के ये क्यू आर का जो है वो डायरेक्शन में मुड़ चुका है और इसने जो एंगल बनाया है डेट इज़ आर वन रिफ्रैक्शन uh, होने के बाद जो एंगल बन रहा है रिफ्रैक्टिव एंगल विद नॉर्मल आर वन एंड अगेन हेयर आर टू ठीक है तो ये कब हुआ जब अगला बार जब यहाँ से इस सर्फेस से यानी डेंसर से जब रेयर में जाएगा तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा नॉर्मल इस तरफ है तो इस तरफ से ना जा करके अवे फ्रॉम नॉर्मल एट इज़ क्यू आर एस के normal, Q, uh, RSK, जो आप अलॉन्ग द लाइन देख रहे हो उसमें यह ट्रेवल करेगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्राम एंड डिफरेंट एंगल्स ओके ये एंगल इमरजेंट एंगल हो गया और ये आप देख रहे हो छोटा सा एंगल जो यहाँ पे टी जैसा पोजीशन बनाया हुआ है आप देख पा रहे हो डेट इज कॉल्ड एज हेयर इट इज वेट ऑफ ऑल आई एम जूमिंग द फिगर सो दैट यू कैन क्लियरली सी वट एंगल इज देयर सो यू नो दिस इज द एंगल इमरजेंट एंगल दिस इज द डेल्टा एंगल नोन एज डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन एंड दिस इज आर वन एंड दिस इज आर टू एंड हेयर इज आई दैट इज इंसीडेंट एंगल तो ये सारे एंगल्स सा आपने समझ में आ गया होगा आई होप इट इज़ वेरी क्लियर ठीक है तो चलिए जूमआउट कर देते हैं फिगर को हम तो अब समझिए कि जो बातें मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि कंसिडर अरे पी क्यू इज इंसिडेंट तो आपने देखा था कि पी क्यू रे इंसिडेंट हुआ था एंड देर इज अ रिफ्रैक्शन ए बी पे होकर के एट अ पॉइंट पी एकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट पी सॉरी पॉइंट क्यू द रे ऑफ लाइट पी क्यू इज़ रिफ्रैक्टेड टूआर द नॉर्मल एन क्यू एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग क्यू आर दैट मीन्स द रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर अगेंस्ट सफर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट आर ओके तो ये सब बातें जो फिगर में मैंने आपको समझाया है उसी को यहाँ पे बस नोट कर दिया है आप भी स्क्रीन शॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो दैट मीन्स एट पॉइंट आर ऑन सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए सी एंड बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड एमर्जेज अलॉन्ग आर एस ठीक है ये आर एस की तरफ से बाहर आ रहा है तो आई होप पूरे ये बात आपको क्लियर है ठीक है अब जो एंगल का हम लोग ने मार्किंग किया है वो मार्किंग आप समझो कि कौन से एंगल हो कौन सा एंगल हम लोग कह रहे हैं दैट इज़ टी क्यू ओ को हम लोग आई बोल रहे हैं तो टी क्यू दिस इज़ टी क्यू ओ ओके टी क्यू एंड ओ इसको हम लोग आई क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये दैट इज़ एंगल एन क्यू पी के इक्वल होगा है ना क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं सिमिलरली आर क्यू ओ ये आर क्यू ओ ये ओ जो आर क्यू ओ है वो आर वन है तो ये समझना है हमें कि जब ये पुकरा कंप्लीट एंगल है हमारे पास आई और ये एंगल हमारे पास है आर वन तो ये एंगल कितना होगा दिस एंगल वुड बी आई माइनस आर वन तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है फिर उसी तरह से यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा लिसन हेयर दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल टू दिस एमरजेंट रे विल ऑल्सो इक्वल टू दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हेयर ई और ये कंप्लीट एंगल अगर ई e है तो टी आर क्यू जो होगा वो क्या होगा टी आर एंड क्यू विल बी ई माइनस आर वन तो ठीक है ये सब समझ में आ रहा है आपको आप डायग्राम बना करके अच्छे से करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ठीक है अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है तो ये समझिए कि जो डेल्टा एंगल है ना वो डेल्टा एंगल किसके इक्वल होगा अगर इस ट्रायंगल की बात करें टी क्यू आर ट्रायंगल की बात करें तो ये इस टी क्यू आर ट्र में डेल्टा एंगल जो है वो एक्सटेरियर एंगल है ओके फ्रेंड्स सॉरी तो ये जो डेल्टा एंगल है वो एक्सटेरियर एंगल है और जब एक्सटेरियर एंगल का सम आप जानते हो कि दो इंटेरियर एंगल के इक्वल होता है तो वही रूल यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है दैट रूल इज अप्लाइड है तो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू डेट इज टू लिखा हुआ देख सकते हैं आप दैट इज सम ऑफ टू समेरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटेरियर एंगल्स सो सिमिलरली वी हैव द वैल्यू कि आई माइनस आर वन ई माइनस आर वन इज इक्वल टू डेल्टा एंड द डेल्टा कम्स आउट टू बी आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू ठीक है अब आते हैं इस ट्रायंगल में क्यू ओ आर में इस ट्रायंगल में क्यू ओ आर ट्राएंगल में आते हैं क्यू ओ आर ट्राइंगल में तीनों आपको पता है कि इस एंगल जोड़ने पर आपका वैल्यू आता है वन एट्टी कभी भी कोई भी ट्रायंगल में आप तीनों एंगल जोड़ते हैं तो वन एटी आता है तो आर वन प्लस आर टू जो है उसको हम लोग अगर क्यू ओ आर के साथ जोड़ें तो डेट विल कम्स आउट टू बी वन एटी तो क्यू ओ आर का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं वन एटी माइनस आर वन प्लस आर टू आर वन प्लस आर टू को हम माइनस कर सकते हैं डेट इज़ फ्रॉम वन एटी तो वी विल गेट क्यू आर अब क्या करेंगे ये क्यू आर हम क्यों पता लगाएं क्योंकि देखो फ्रेंड्स ये क्वाड्रिलेटरल है दिस इज़ ए क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स भी जोड़ करके वन एटी आते हैं तो अगर एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर वन है तो ये पता चलता है कि वो जो ए एंगल है एंगल ए है वो आर वन प्लस आर टू के इक्वल है क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि क्यू ओ आर जो था वो वैल्यू आता था वन एट्टी माइनस आर वन प्लस आर टू तो कंसीडरिंग दिस एंड कंपेयरिंग दिस वी विल गेट अ रिज़ल्ट फाइनल रिजल्ट ये आएगा कि एंगल ए जो है वो एंगल ए आर वन प्लस आर टू के इक्वल आएगा ये पूरा कंप्लीट आपको मैंने समझा दिया डिराइव करके ठीक है तो वही सारा चीज़ मैंने यहाँ लिखा है देखो ये सब कुछ नोट है आप कर लेना अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लियर हो जाएगी बातें तो एंगल देखो यहाँ ट्रा एंगल क्यू आर में सम दिया है वन एट्टी एन क्यू आर को लिया गया है वन एट्टी माइनस आर वन प्लस आर टू अगेन इन क्वारीलेटरल हेयर ऑल्सो वी ट्रुक दैट एंगल ए प्लस एंगल क्यू आर इज वन एटी एन क्यू आर यहाँ से भी निकल के आया वन एटी माइनस एंगल ए तो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री कंपेयर करेंगे जब हम इक्वेशन टू एंड थ्री को तो ये मिल के आएगा हमें कि एंगल ए जो है वो आर वन प्लस आर टू है एंगल ए क्या है आर वन प्लस आर टू है तो ये हमें मिला अब इससे क्या फ़ायदा हुआ फ्रेंड्स तो आप ये देखो कि जो इक्वेशन हमारा यहाँ पे था जो इक्वेशन हम यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन वन वो आर वन प्लस आर टू के साथ वाला वो इक्वेशन आर वन प्लस आर टू की जगह एंगल ए आ जाएगा है ना जब एंगल ए आ जाएगा तो वी विल हैव की डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए अब माइनस ए को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे एल एच एस के साइड तो इट विल गेट टू की ए प्लस डेल्टा इजकल टू आई प्लस ई तो ये है इक्वेशन दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट इज फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और यहाँ से हम स्टेटमेंट ये आप कन्वे करेंगे आपको कि वेन अ रे पासेज थ्रू अ प्रिज्म ओके वेन अ रे पासेज थ्रू अ प्रिज्म द सम ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज ए एंड एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन लिल डेल्टा इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है आई एंड एंगल ऑफ इमरजेंस तो ये वर्ड में आपको मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट लिख दिया है तो आई होप कि ये पूरा डेरिवेशन अब वो क्लियर होगा ठीक है फ्रेंड्स ओके थैंक यू सो मच सब्सक्राइब कर लिए चैनल को और लाइक बटन दबाना ना भूलिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स थैंक यू